चल रहा है। अच्छा स्टार्ट दिन होई जाना है लगातार की थोड़े को ड्रामे करा देने सर ड्रामे करा देना जरा तो आखा कि इ'यां बैठे ने ड्रामे कर देना सर ड्रामे सुना करा दे अहें अहें स्टार्ट दिन इत्थे भुक्खे पाने बैठे दे हल्ली भी ड्रामे ला देना कल कौन साहब रखे ने कि बैठे ने बैठे साढ़ा केह् करो सर एक बार वोटिंग होई दोबारा वोटिंग होनी अहें उमर बेसड़ी खत्म होई है वोटें वास्तै खत्म होई है दूई बारी वोट भी लैने ना मुड़ी सत्ता आना अहें सत्ता लाल मत करो सर जे अस पढ़ाई सकते ना तो तुआरी भी सकते हैं यो जूथ है जो जूथ बिगड़े का भैड़ा सर जो बिगड़ गया ना सामना मुश्किल इन बस इतने अच्छे सुना दे समझियो जल्दी जल्दी समझो तो यह नहीं आगे कोई जूथ कोई गलत रस्ते चली जा जे गलत रस्ते चली जा तो तुम बीजेपी पास तो सारे पास गलत हो जाना फिर अच्छा जल्द कुछ पुछो तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह होर जो तू आखते कि उन्हें वादा किया था कोई मनता कि नहीं उन्हें किया वादा सर मानना कुत्ता झूठे वादे सारे कर देना इंटर निके लिए उपरा झूठे मार देना अहें मोदी साहब की वोट था कि सारा जो देश है सही तथे आ मोदी साहब तो सही नहीं जो खल चिमटे चमटे तो सही नहीं है वो हर बारी सारे झूठ मारिए तो निकलते होंगे और सोचते कि हर पीली बारी सारे लोग गुमराह हो जाते कख नहीं करते पर हूँ जो जम्मू है जागी है जम्मू पता हूँ कि जीना कि रोना है सारा ही जानते हूँ की लगता जम्मू कश्मीर रही अजे इे हालात इे दिन दिखने जे इे रहा तो जम्मू बिकी जाना पूरा इंडिया बिकी जाना जे इे हालत रहा था झूठ मारिए साड़ी सत्ता रखनी है तो जम्मू गया पूरा इंडिया गुलाम करना मुड़िए एक बार मुड़िए गुलाम हो जाए इंडिया आप देख सकते हैं लगातार इनकी तरफ से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है लेकिन एक चीज़ देखने वाली है। अच्छा थोड़ा के ना है मेरा अनिल सर अनिल के आगे मतलब के चाहते हैं ये सर मैं पूरे जम्मू नू ते पूरे इंडिया नू एको गल कहना चाहना कि धीरे धीरे बीजेपी ने सब कुछ अपने काबू कर लेना जी अभी बचपन से गाने सुनते हैं बतन पालो बतन्ना बेच देना इन्होंने बतन भी बेच देना हर चीज़ बेच देनी इन्होंने बस अपनी अपना राज करना आए राज्य बनना आए हैं बस बह के गल करते हैं हम साढ़े अशोक कौल जी अं कदम उन्होंने मीडिया सामने दिखा नहीं कल अं उन्होंने मीडिया सामने दिखा उन्होंने बोलिया कि अगर मेरे ऑफिस हाँ मेरे ऑफिस के बाहर अगर बच्चे बैठे तो सानू कोई फर्क नहीं पता और सारे फर्क तुहानू भी नहीं सानू भी नहीं पैना अदू इलेक्शन का टाइम आना ना तुम भी हाथ जोड़ जोड़ के आना फर्क सानू भी नहीं पैना उस टाइम देख लाने सर टाइम आने वाला तुहाडा भी अच्छा की हाल है तुम्हारे इंडिया घर परिवार वाले के कोई फोन करी पुछदे होने सर परिवार वाले पुछदे ना कि आओ घर छोड़ो पार्टी बीजेपी पार्टी बेकार है लेकिन सर कोई गल नहीं अं बस साड़ी जॉब लगे ना लगे लेकिन अं पूरी जम्मू की पूरी इंडिया की अखा खोलना चाहते हैं कि दोबारा बीजेपी को कदे वोट ना दो जिसे तुहाडे बच्चे भी कल खज्जल होणगे रोडां ते आणगे जिंदे माँ प्यो इतने इन्ने सपने लैंदे ना जो उनके बच्चे सर खज्जल होंदे बिना अं सर नौकरी मंगी ना नौकरी भी कहड़ी मंगी है बॉर्डर की नौकरी मंगी है गोली खानी सर उत्थे जाके इन्होंने गोली नहीं खानी इन्हें बच्चों ने गोली नहीं खानी गोलियां ही खानी है इन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा अगर अं फौज जाके आंदे आंधी ही ड्यूटियां देनी ना आंधे बस ही ड्यूटियां देनी ना है कहते ना पाकिस्तान जे कर देंगे जे करेंगे आप तो बातें करते हो करेंगे तो हम आप क्या करेंगे बस बातों से सर बैठे बैठे बातें करते हैं बोलता मैं बैठा हूँ बैठा हूँ क्या बैठना खड़े होकर बात करो बोलता मैं डेली बच्चों के पास जाता हूँ कब आए तीन को आए थे लास्ट सर आज तक नहीं आए बस झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है भारतीय झूठी पार्टी है जे बस सर यही बोलना चाहता हूँ मैं काफ़ी परेशान है युवा गुस्सा इनका आप खास तौर पर देख सकते हैं काफ़ी बुरी हालत भी इन लोगों की है। अच्छा एक दो और नौजवान से बात करनी कोई आपका क्या नाम है शमी वर्मा शमी वर्मा ही क्या होगी मतलब कि हालात थोड़े पैदा करा देने बल्ले बल्ले हालात सर यही पैदा कर रहे हैं ये कहते हैं जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंट खत्म करने हैं तो मैं अहें तो भर्ती की BSF फौज की ठीक है अहें तो चाहे हिंदुस्तान की रक्षा करके बट ये मजबूर कर रहे हैं सानू अगर कश्मीर जागे ये कश्मीर जाते हो पहले डरते हे वे बड़े बड़े वादे करते हैं लोगों की नौकरी देगी नौकरी नौकरी दसो दी कि नौकरी वादा किता कुछ दी अहें कोई निलेक्ट मुड़े खाली लत्त नहीं है हाथ नहीं बन और तुम फौज की नौकरी करानी 84 नंबर ने 84 नंबर फौज की नौकरी वास्ते कि घट है नहीं तो मैं मोदी सरकार BJP दसे कि 84 नंबर सौ चो 84 नंबर लैने डिस्टिंक्शन आखते हैं तो डिस्टिंक्शन मारी भी जो फौज की नौकरी नहीं मिलनी तो कदों मिलनी नौकरी मैं BJP सरकार वाले आप दसन अगर इन्हें नहीं आना तो आइए बच्चों सामने गल कर क्यों इंटरव्यू देंगे ना कि कोई कोई इंटरव्यू दिया था कि अगर बच्चे इतने बैठे बैठे दे थोड़े आप बच्चे नहीं बैठे ना यूथ इतने लोगों के बच्चे बैठे जिन्हें तुम्हें वोट दिए है घर के नहीं बैठे हाँ इन्होंने घर के बैठे होंगे इन्हें मर्चा लगनिया ही महाराज इन्हें अपने बच्चे फॉरन च पढ़ते तो साढ़े वर्गे लोग इतने रोड प्रदर्शन करते हैं ग्रैजुएट ग्रैजुएट बच्चे बैठे तो प्रदर्शन कर रहे कहते वास्ते एक फौज की नौकरी वास्ते और इन्हें बयान आते अगर उत्तर बच्चा बैठे बैठन दो कोई फर्क नहीं पाता फर्क तो पौना है थोड़ी जड़े रस्ते फर्क पौना जो यूथ बिगड़ी हो तो अगर 60 दिन का यूथ इतने बैठा नहीं तो अगले 2 साल भी यूथ इतने बैठक तो वोट के टाइम जल्द तुम आगे नहीं उल्लै दस गए कि यह कि यूथ है यह बैनर भी उ रहनगे ये बंदे भी उ रहनगे ये रैलियां भी उ रहनगियाँ
अभी वक्त पा देंगे आने टाइम चाहिए सरकार आई कि इन्हें सोचने मजबूर हो जाए कि यूथ है और केड़े बच्चे आए। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये बीजेपी पार्टी ऑफिस है, यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं इसी के बाहर जो है वो यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट्स की तरफ से। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा